सांसद प्रेमचंद गुड्डू समेत 6 लोगों को 1-1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में फैसला दिया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25,000 रुपए की मुचकली पर जमानत भी दे दी है और मामले में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह झूठा मामला है। मामला 17 जुलाई 2011 का है, तब उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाए थे। इससे गुस्साए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर दी थी। इस दौरान भाजयुमो की अमय आप्टे गंभीर रूप से घायल हो गए और कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमला की कोशिश का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, तराना से विधायक महेश वर्मा, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीना, मुकेश भाटी और हेमंत चौहान को आरोपी बनाया गया था।